हेलो एवरीवन, फूड मेड दिल्ली में मैं प्रियंका वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को लेके आई हुई हूँ उत्तराखंड की इतनी ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन पे, अगर जो जानी जाती है अपने पाइन फॉरेस्ट के लिए। आज मैं आप सभी को लेके आई हुई हूँ लैंसडाउन। पर जब आप लैंसडाउन इतना ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है तो उसके साथ एक ब्यूटीफुल रिजॉर्ट भी होना चाहिए जहाँ पर आपको एक टेस्टी और हाइजेनिक फूड भी मिले। तो मैं इसलिए मैं आपको लेके आई हुई हूँ संस्कारा एंड समसारा पे, जिसका नाम इज़ वेरी यूनिक। तो चलिए आज हम यहाँ पे स्टे भी करेंगे और इनकी प्रॉपर्टी देखते हैं और इनका फूड एंजॉय करते हैं। तो चलिए आइए मेरे साथ। तो अगर रिजॉर्ट की एंट्री की बात करी जाए तो आप ये देख सकते हो कि ये जा रहा है मेन हाईवे और मेन रोड भी आप इसको बोल सकते हो। और इससे आप एक स्लैंट कट देखिए, स्लिट है, स्लिट के बाद ही आप ये ऊपर देख सकते हो। आपको ऊपर चढ़ना है और यहाँ पे ये एंट्री है। लेवल पे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, कार इजीली आ जाएगी। तो और यहाँ पे पार्किंग की भी सुविधा है, तो आप पार्क गाड़ी यहाँ पे आराम से पार्क कर सकते हो। तो सबसे पहले रिजॉर्ट में एंट्री करते ही हमारे लिए वेलकम ड्रिंक आई है, माल्टा और बुरांश। काफ़ी ठंडी है, रिफ्रेशिंग है, और बुरांश का शरबत है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और काफ़ी मीठी भी है। तो यहाँ पे आपको बार का ऑप्शन भी मिलता है। तो ये जो बार है लैंसडाउन टाउन में सबसे फर्स्ट बार है जो संस्कारा एंड संसारा में आपको मिलेगा। तो ये देख सकते हो आप कि यहाँ पे लिखा हुआ है ओल्डेस्ट बार टाउन और चिल्ड्रन नॉट अलाउड इन द बार। चलिए बार के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इनका बार कैसा है। अभी तो फिलहाल लंच टाइम है। तो ये है इनका बार जो कि काफ़ी ज़्यादा प्लीजेंट है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को। और इनके पास ड्रिंक्स के ऑप्शन है, तो आप मन चाहिए अपने ड्रिंक के यहाँ पे ऑप्शन चूज़ करके आप अपनी ड्रिंक यहाँ पे ले सकते हो। तो ये देख सकते हो आपकी कितनी अच्छी सेटिंग है और काफ़ी क्लीन और काफ़ी ज़्यादा सुंदर बार है। तो सबसे पहले मैं संस्कारा एंड समसारा की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगी कि जो संस्कारा एंड समसारा है ये पहले एक होम स्टे था और अब इसे आप होटल बोल सकते हो या रिजॉर्ट बोल सकते हो, उसमें कन्वर्ट कर दिया गया है पिछले 3 सालों से। तो यहाँ पे इनके पास इंक्लूडेड मतलब इन टोटल 9 रूम्स रहते हैं, जिसमें कि फैमिली रूम्स हैं, फैमिली स्वीट्स है, बेसिक रूम है, और एक आप मेरे पीछे यहाँ पे देख सकते हो कि कॉटेजेस भी बोल सकते हो आप, और इनको हट्स भी बोल सकते हो। और इन्हें वैसे तो ये लोग बोलते हैं ग्लैम्स के नाम से। तो चलिए और हमें भी आज हम स्टे करेंगे ग्लैम्स में। ग्लैम्स में चलते हैं और इनका रूम देखते हैं कि इनका कॉटेज और हट कैसी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे बॉनफायर की भी फैसिलिटी है। तो अभी तो लंच टाइम है तो अभी बॉनफायर तो जलेगी नहीं। जो हमें आज रूम मिला है वो है T5 और आज हम हट पे या फिर आप कॉटेज भी बोल सकते हो आज हम इस पे स्टे करेंगे। तो सबसे पहले आप एंट्री पे ही देख सकते हो कि रिलैक्सिंग के लिए रिलैक्सिंग चेयर्स यहाँ पे रखी हुई हैं। कि जब वेदर बहुत ज़्यादा प्लीजेंट होता है, क्योंकि लैंसडाउन का वेदर बहुत ज़्यादा प्लीजेंट रहता है, क्लाउडी रहता है, तो उसके लिए ये परफेक्ट है कि आप बाहर अगर कॉफ़ी एंजॉय करना चाहते हो, मॉर्निंग टी एंजॉय करना चाहते हो, तो उसके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट प्लेस है। तो चलिए अब जो इनका रूम है वो अंदर से देख लेते हैं, मैं अंदर चलती हूँ। चलिए अब हम देख लेते हैं कि रूम्स में क्या क्या एमिनिटीज़ हैं। तो सकते हो कि कितना ब्यूटीफुल बेड है यहाँ पे और नाइट लैम्प लगा रखा है, तो यहाँ पे ना बहुत डिम रोशनी रहती है ताकि आप फॉरेस्ट का फील ले सको। तो यहाँ पे आपको एसी की फैसिलिटी भी मिलेगी और नीचे थोड़ा सा आएंगे तो आपको मिरर भी मिलेगा जिसके ऊपर इन्होंने लाइटिंग भी थोड़ी सी कर रखी है, ये देख सकते हो। और यहाँ पे आपको फ़ैन भी मिलेगा, तो जैसे कि थोड़ी सी अगर कभी वेदर गर्म रहता है तो उसके लिए यहाँ पे आपको फ़ैन भी की फैसिलिटी है। स्टोरेज के लिए और जैसे लगेज रखने के लिए यहाँ पे स्टोरेज के लिए अलमीरा भी है, जिसमें कि आप देख सकते हो कि इन्होंने ब्लैंकेट भी हमें दिया है क्योंकि लैंसडाउन में ठंड पड़ती है, तो काफ़ी अच्छा स्टोरेज स्पेस लगा है मेरे को। तो यहाँ पे आपको केटल की फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी और टी और कॉफ़ी भी आपको यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि मेरे लिए तो ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब मैं आती हूँ तो मुझे रिफ्रेशमेंट के लिए टी चाहिए होती है, और केटल भी है तो जब चाहे आप बना सकते हो, और फ्रेश ग्लास है और वाटर बॉटल्स हैं। तो यहाँ पे बेड के साइड में एक छोटा सा काउच भी है, तो आप इसमें बैठ के रिलैक्स कर सकते हो और सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है। और ये है इनका मेन्यू, तो आप इसमें फूड ऑर्डर भी कर सकते हो। रूम की सबसे मेन एमिनिटी होती है बाथरूम, स्पेशली फॉर गर्ल्स, क्योंकि मैं सबसे पहले जब भी कहीं जाती हूँ तो मैं सबसे पहले वॉशरूम देखती हूँ कि वेदर इट्स क्लीन और। तो यहाँ मुझे इनका वॉशरूम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। तो यहाँ पे आपको मिलेगी डेंटल किट, कोम, शेविंग किट और शार कैप, एक हैंड वॉश के लिए, एक आपको मिलेगी हैंड टॉल, सामने मिरर तो है ही अगर मैं दिख रही हूँ तो। तो यहाँ पे आपको मिलेगी गीजर की फैसिलिटी और यहाँ पे रहता है वॉशरूम। तो यहाँ पे आपको बाथ टॉवल भी मिलेंगी और ये है शार, और आपको मिलेगा यहाँ पे शार जेल, और यहाँ पे आपको रहती है बाल्टी, मग्गा, जो भी एमिनिटीज बाथरूम में होती हैं। यहाँ पे आपको प्राइवेट बालकनी भी मिलेगी और फॉरेस्ट व्यू देखने को मिलेगा। तो चलिए इनका व्यू देखते हैं और कैसा रहता है। वाओ, आपको 2 बीन बैग्स भी मिलेंगे, आप ये देख सकते हो सिटिंग के लिए। और यह फॉरेस्ट व्यू आप देखिए कि कितना ज़्यादा घना फॉरेस्ट है और काफ़ी ज़्यादा पीसफुल है। बर्ड्स की चर्पिंग भी आप यहाँ पर सुन सकते हो, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और मेरे को तो मतलब रिलैक्सेशन के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट प्लेस लगा है लैंसडाउन में। तो आज मेरे साथ FNB कैप्टन है, तो जो कि विनोद रावत जी हैं। तो सर थैंक यू यहाँ पे।
तो आज हम आप बताइए कि हमारे लंच में आज क्या क्या आइटम्स हैं। मैम आपके लंच में भिंडी मसाला, कढ़ाई पनीर, देस दाल पंचमी। तो इतनी सारी मतलब मेरे पास यहाँ पे लंच में आइटम्स हैं। तो चलिए जो इनकी अब फूड है, जो लंच है, अब वो हम टेस्ट भी कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है मेरे को। मैंने आपको यहाँ पे अकोमोडेशन से दिखा दी है, तो अब बारी है फूड की टेस्टिंग की, क्योंकि रहना भी ज़रूरी है तो खाना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जब आप किसी होटल या फिर रिजॉर्ट में आके स्टे करते हो। तो फिर मैंने वैसे तो काफ़ी इनके पास ऑप्शन थे, लाइक आलू जीरा, आलू की सब्जी के काफ़ी ऑप्शन थे, बट मैं वो काफ़ी ट्राई कर चुकी, तो मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहती थी बाहर। तो मैंने यहाँ पे लिए भिंडी दो प्याज़ा, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी सर्व करूँगी भिंडी दो प्याज़ा, जो कि आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा लाजवाब लग रही है। कढ़ाई पनीर, जो कि आप देख सकते हो कि लाजवाब लग रहा है देखने में, और मुझे इनका सर्व करने का स्टाइल काफ़ी अच्छा लगा। इन्होंने छोटी सी क्यूट सी हांडी में यहाँ पे सर्व किया है। तो नेक्स्ट मैं अब यहाँ पे सर्व कर रही हूँ दाल पंचमेल। तो ये 5 दाल होती है, मैं करूँगी अपनी प्लेट में। तो यहाँ पे आपको मिलेगी ग्रीन जो मिंट वाली चटनी रहती है वो, प्याज, और यहाँ पे आप पिकल भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपनी प्लेट में रख रही हूँ बटर रोटी, तो इसमें उन्होंने बटर भी काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें लगाया हुआ है। तवा रोटी है तो बिल्कुल घर जैसी फील लग रही है इस रोटी में। तो मैं कढ़ाई पनीर और दाल तो हम काफ़ी टेस्ट कर चुके हैं और काफ़ी टेस्ट करते रहते हैं वीडियोस में, बट आज मैं क्यूरियस हूँ भिंडी दो प्याज़ा में, क्योंकि मैंने भिंडी हमेशा घर की ही खाई है, बाहर मैंने भिंडी कभी ट्राई नहीं करी है। तो चलिए इनकी जो भिंडी दो प्याज़ा है वो हम टेस्ट करेंगे रोटी के साथ। रोटी बिल्कुल घर जैसी है, जैसे हम घर पर बनाते हैं तवा रोटी वैसी ही है, और काफ़ी सॉफ्ट है। और मैं इसे टेस्ट करूँगी भिंडी दो प्याज़ा के साथ। एज़ कम्पेयर टू होम, तो ये भिंडी दो प्याज़ा काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें मेरे को स्मोकी फ्लेवर आ रहा है। तो सर आपने कुछ किया है क्या इसमें स्मोकी फ्लेवर के लिए? इसमें फ्राइड किया है। अच्छा, भिंडी को फ्राई किया पहले? फ्राई किया, उसके बाद टॉस्ट किया इसको। अच्छा, तो तभी उसका फ्लेवर थोड़ा स्मोकी लग रहा है। मसाले हैं तो रेस्टोरेंट जैसे जो मसाले होते हैं बिल्कुल वैसे हैं, इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। ओवरऑल जो भिंडी दो प्याज़ा है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मेरे को इनका जो फूड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, हाइजीनिक फूड है। मेरे को काफ़ी ज़्यादा इनका जो अकोमोडेशन है वो भी काफ़ी अच्छा लगा है, स्टे काफ़ी पीसफुल है। और सबसे बड़ी बात कि जब आप यहाँ पे किसी शहर की भागदौड़ से या फिर आप किसी सिटी लाइफ से अगर आप थोड़ा दूर पीसफुल एनवायरनमेंट में आना चाहते हो, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। तो आप पाइन फॉरेस्ट का जो व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है यहाँ से। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि संस्कारा एंड समसारा आप यहाँ पे आइए एंड यहाँ पे स्टे जरूर कीजिए, और एक बार इनका फूड ज़रूर ट्राई कीजिए। आई रियली लाइक इट एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। जो स्टाफ है काफ़ी पोलाइट है तो और काफ़ी कोऑपरेटिव है। एग्जैक्टली हम लोग हरदोई से हैं, क्योंकि लखनऊ के पास में है। बहुत अच्छा, अगर कोई पीस चाहता है तो यहीं पर आना चाहिए उसे। ग्रीनरी अच्छी है और मतलब यहाँ का वेदर जो है वो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, तो आपको यहाँ पे स्टे अच्छा लगा है? हाँ। तो अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दिल्ली है दिल वालों की और फूड में दिल्ली है खाने वालों की। तो जल्दी से मैं आप इनके लंच को एंजॉय करती हूँ और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।